सर एक तो देखो रेल में जो अभी जाएंगे एक ईयर में, हाँ वन फुल सेट फ्री पास मिलता है थर्ड एसी का। ओके आप पूरे कहीं से भी एक बार कहीं से भी फ्री में आ जा सकते हो ऑल इंडिया, कहीं दोनों कन्याकुमारी से को जैसे कश्मीर जाना, हाफ कहीं भी हाफ सेट जाना। करके यूज भी कर सकते हो। नहीं वो तो सर फुल पास है, फिर होते हैं पीटीओस, हाँ पीटीओस बोलते हैं वो क्या कहते हैं, वो फोर सेट होते हैं, यानी उसको आप एट बोल सकते हो। वन हाँ वन बाय थर्ड देना होता है आपको उसमें, तो वो भी यूज कर सकते हो। उसमें आप एलिजिबल हो जो आपके डिपेंडेंट है, मतलब अगर वाइफ है तो वाइफ और बच्चे, और अगर फादर नहीं है तो मम्मी, या भाई अगर जॉब पे नहीं है, बहन नहीं है तो डिपेंडेंट में वो भी इंक्लूड हो सकते हैं उसमें। ओके और एक और बेनिफिट होता है, बट वो रेयरली ज्यादा किसी को पता भी नहीं, हालांकि वो एक मिनिमल है यूज होता है। जैसे रेलवे के गेस्ट हाउसेस वगैरह भी होते हैं, अब वो बहुत लोगों को पता है, जैसे शिमला में भी है, ऊटी में भी है, बट वो थोड़ा सा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको थोड़ा सा अप्रोच ही होता है तब आपको घूमने कहीं पे जा रहे हो तो वो। और एक रेलवे का बेनिफिट और भी है सर, अगर आपको कहीं भी ऑल इंडिया जा रहे हो, कहीं भी बाय चांस घूमने ही जा रहे हो कुछ है, तो एक रेलवे का मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री जो रेलवे की टर्म में मिनिस्ट्री नहीं बोलते, रेलवे बोर्ड बोलते हैं वैसे तो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड बोलते हैं जो हम रेलवे में वर्किंग है तो रेलवे बोर्ड बोलते हैं, मिनिस्ट्री नहीं बोलते। तो एक ये भी रहता है सर, कहीं भी जाओ आप रेफरेंस निकाल के कहीं भी आपको स्टे करना, तो एक कोई इतना बड़ा तो नहीं है बट फिर भी लिटिल बिट कह सकते हो कि थोड़ा बहुत तो है ही कुछ ना कुछ, तो ये इसलिए बेनिफिट। तो एक रेलवे में वर्किंग पे तो थोड़ा सा एक वो है अभी, यहाँ पे अब मेरा जो प्रोफाइल का भी अच्छा है, स्टाफ बढ़िया है, जो वर्किंग कल्चर वो भी अच्छा, तो इस वजह से ही फिर मैंने रेलवे के साथ ही जाना शुरू किया, रेलवे को ही ओप करना, ये रीजन था। और मुझे एक चीज़ और बताइए कि जिस हिसाब से आपने अभी बात करी कि भाई ये फैसिलिटी हैं, ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे पोस्टिंग जो आपकी रहती है वो आपकी कहाँ कहाँ पे, एक ही ऑफिस में आपका रेल भवन में ही होती है या दिल्ली में ही अलग अलग जगह, या अगर आप चाहो तो ऑल ओवर इंडिया मेन मेन स्टेशंस पे भी हो सकती है। सर देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या रेलवे बोर्ड वो है रेल भवन, ओनली एंड ओनली रेल भवन। बट एक बेनिफिट है, जैसे मेरे ही ऑफिस में एक अभी पता चल रहा है रिसेंटली 2 दिन पहले, वो 1989 में एलडीसी, जो एलडीसी एसएससी के थ्रू वो हाँ ज्वाइन किया, बट वो इधर पोस्टिंग लेके आ गए, हालांकि वो एसएससी के थ्रू गए थे, बट ऑन रिक्वेस्ट एक टर्म होती है, आप रेलवे बोर्ड से ऑल इंडिया रेलवे में कहीं भी जा सकते सेम पे ग्रेड पे। एक ये बेनिफिट उनके लिए, जैसे कोई अभी कोई बिहार से है या कोई यूपी में ही है, अब क्या होता है सर, एक तो होता है रेलवे में आप 2 तरीके से जा सकते हो, मतलब ऑफिसर को छोड़ के एनटीपीसी आरआरबी जो होता है, रेक होता है जो रेल भवन ही होता है जनरली मिनिस्ट्री ऑफ हाँ रेलवे और एसएससी के थ्रू, एएसओ एलडीसी या स्टेनो, हाँ एमटीएस भी होगा मे भी, हाँ तो आपके पास एक ये ऑप्शन बेटर उनके लिए, जैसे कोई अभी भोपाल से है या जहाँ वो इधर से, जहाँ पे डिवीजन होती है बहुत सारे, एक तो पूरे जो उनका जैसे नॉर्थन हेडक्वार्टर भी दिल्ली में ही है, बड़ौदा हाउस वो डिफरेंट है और रेल भवन डिफरेंट है, तो ये चीज भी है। दिल्ली में ही डीआर ऑफिस, डिवीजन रेलवे मैनेजर ऑफिस होता है, तो उसमें ये उनके लिए बेनिफिट है जो अगर अदर पास में जाना चाहते हैं, जैसे डीआरएम ऑफिस, बहुत सारे ऑफिस होते हैं रेलवे, बहुत सारे वर्क जैसे वर्कशॉप भी होते हैं, जैसे मैं अभी वर्किंग हूँ वर्कशॉप में भाई, और भी कंस्ट्रक्शन बहुत सारी जगह है, रेलवे तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है बहुत ज्यादा, तो आपके लिए ये बेनिफिट है अगर किसी को जाना ना रेलवे बोर्ड से तो वो जा सकता है, बट अपोजिट वाया अपोजिट नहीं हो सकता कि आप अदर रेलवे में काम कर रहे हो आप रेलवे बोर्ड में चले जाओ, वो नहीं हो सकता, अच्छा, आप रेलवे मतलब बोर्ड से जा सकते हो। आपके लिए बाहर निकलना आसान है लेकिन अंदर आना मुश्किल है। हाँ मतलब वो अंडे लोडे साहब की कोई हाई लेवल की अप्रोच हो तो डेपुटेशन बहुत सारी या चीजें होती हैं, ग्राउंड्स आपके बट हो, हाँ तो वही है, बट ये आप रेलवे बोर्ड से जा सकते हो, अदर किसी डीआरएम ऑफिस में या किसी और में या अदर रेलवे के हेडक्वार्टर में, तो ये है और तो कुछ मतलब ही है, तो ये तो हालांकि मैं मेरे लिए तो ये कोई यूज है ना, मैं तो खुद नॉर्दर्न रेलवे में जा रहा हूँ, तो मेरे तो मतलब नॉर्दर्न रेलवे कह रहा हूँ, सॉरी रेल भवन जा रहा हूँ, तो मेरा तो यही है, मेरा तो वही है, तो वो तो मेरा कोई एक्सपेक्ट नहीं था, बाकी यहाँ किसी को इन्फॉर्मेशन